पे प्रोजेक्ट के मुताबिक। प्लीज गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मैं मेरा नाम ऋषि रवि है और मैं खादी बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि पीएमए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रांट हॉटन प्रोफेसर वी पद्मानंद जैसा आप लोगों को बताया कि जो खादी बोर्ड बिहार में किस किस तरह के इंटरवेंशन कर रही हैं रिलेटेड टू सिल्क खादी और कॉटन खादी, और इसके अलावा जो भी हम लोग जो गारमेंट्स में या फिर फैब्रिक में जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी काम कर रहे हैं। विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइक जैसे हनी हो गया, जो ऑर्गेनिक हनी होता है, या ऑर्गेनिक सोप है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो बायर्स एलम मीट हम लोग एग्जीबिशन लगा रहे हैं 13 से 16 तारीख बोरीवली में, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को कोचिन में और सेलम में मिला, और इतने अच्छे रिस्पॉन्स मतलब मिलने का मतलब केरला जो कि जाना जाता है ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए, वो बिहार के ऑर्गेनिक चीज़ों को उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंटरवेंशन हमारा रहा है खादी बोर्ड के द्वारा, और करीब 22 संस्थाएं हमारे आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इन सबों के प्रोडक्ट्स को हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स लोग आएँ और इनको डायरेक्ट सेल ये कर सकें, ताकि जो बिचौलिया है जो जो बीज का कट कमाते थे उनको हम लोग इसको वीड आउट करने के लिए कर रहे हैं। सेकेंडली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुंबई में, मुंबई इज़ नोन फॉर इट डिज़ाइन एंड फैशन, सो व्हाट वी आर डूइंग ऑल्सो वी आर इन्वाइटिंग डिजाइनर्स ऑल्सो दिस एग्जीबिशन, सो दैट आवर डिजाइनर्स कुड ऑल्सो गेट यू नो अ काइंड ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर डिजाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ खादी। सो दैट इज ऑल्सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग हियर इन आवर बायर्स एलम मीट। सो हम लोग ये चाहेंगे कि बिहार का जो हमारा जो प्रोडक्शन टर्नओवर देख रहे थे कि हम लोग जो खादी है, खादी बिल्कुल वैमनिश होते जा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने पीएमए अपॉइंट किया ताकि इस पूरे के पूरी खादी सेक्टर को दुरुस्त किया जाए राइट फॉर्म। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक बेसलाइन सर्वे किया। बेसलाइन सर्वे से हमें ये पता चला कि कितने इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग हैं जो खादी में काम कर रहे हैं और कितने इंस्टीट्यूशन डेड हो गए, कितने इंस्टीट्यूशन इनएक्टिव हो गए। तो जैसा कि प्रोफेसर सर ने बताया कि अभी हमारे 80 एक्टिव इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं और उन एक्टिव इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से हम लोगों को रिवैम्प करना है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि अकाउंटिंग सिस्टम ही दुरुस्त नहीं है। तो इस कारण हम लोगों ने करीब 36 अकाउंटेंट को हर एक इंस्टीट्यूशन में डिप्लॉय किया सो डैट कि उनके अकाउंटिंग सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। सिमिलरली हमने एक नेशनल लेवल डिजाइनर्स को अपॉइंट किया सो डैट कि उनके डिजाइंस में इम्प्रूवमेंट आ जाए, बिकॉज जो हमने प्रोडक्ट्स तो बेच रहे हैं पर उसमें और अगर जो फैशन स्टेटमेंट के साथ अगर हम बेचते हैं तो वो कभी यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर होगा। लाइक अभी हम लोग देख रहे थे कि पहले जो खादी था वो सिर्फ नेता लोग पहनते हैं या फिर बूढ़े लोग पहनते हैं, इस तरह का था स्टेटमेंट था, बट नाउ खादी इज ऑल्सो पॉपुलराइज ग्लैमराइज कर्सी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइक ही इज ऑल्सो वेरी फोकस ऑन खादी। सो ये इस वजह से भी हम लोगों ने इस चीज़ों को इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। बाकी और विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट में भी काफ़ी हमारा इंटरवेंशन है, हम एक वहाँ पे हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं वहाँ बिहार सरकार के थ्रू। सिमिलरली हम लोग सोप की वहाँ ऑर्गेनिक सोप की फैक्ट्री लगवा रहे हैं। तो ये सारे जो इंटरवेंशंस हैं वो बिहार राज्य की खादी को प्रमोट करने का एक अथक प्रयास है हमारा, और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप सब बायर सेलर में जो हमारा एग्जीबिशन है उसमें आके पार्टिसिपेट करें तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ जानने को पता चल पाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे कलीग तुषार शर्मा वुड लाइक टू स्पीक टू सर। बेसिकली जैसे इंटरवेंशन परमानेंट सर ने बोला, विश्व में हमारे टीम लीडर ऋषि रवि जी ने बोला, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं दो तीन पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि खादी में अभी बेसिकली खादी बोर्ड जो बिहार में दो मेजर इंटरवेंशन ये हो रहे हैं कि यहाँ पे हमने अमेजोन जो खादी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी संस्थाएं हैं इनको हम अमेजोन की वेबसाइट के साथ एक टाइप कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन हुआ है, आया था अमेजोन की टीम आई थी, उन्होंने विजिट किया, जितने भी खादी प्रोडक्ट्स थे डिजाइन देखे तो उन्होंने बोला हाँ इनके प्रोडक्ट हमारे देवर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ द अमेजोन के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनसे मैच कर रहे हैं उन्होंने बोला। फिर उन्होंने फोटोशूट्स वगैरह खुद कराया, फोटोशूट के उनके अपने डायमेंशन थे कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो दिस खादी जो अमेजोन का फोटोशूट लॉन्च है वो आई थिंक कमिंग सेकंड वीक ऑफ जैन में वो हो जाएगा, देन वी विल बी ऑफिशियली अमेजोन विल बी ऑफिशियली पार्टनरिंग विद खादी बोर्ड पटना बिहार फॉर द ऑनलाइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट खादी बोर्ड का एक मेजर इंटरवेंशन ये है कि वो एक अपना ई मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, खादी बोर्ड अपना एक पर्सनल ई मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च कर रहा है फॉर द सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट। उसमें क्या करेगा कि खादी बोर्ड एक नोडल एजेंसी है, वो जितने भी खादी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग हैं अभी उनसे प्रोडक्ट प्रोक्योर करके अपने पास रखेगा, उसको उसका एक इन्वेंट्री क्रिएट करेगा, अकॉर्डिंगली ई मार्केटिंग पोर्टल पर डेवलप करके उसको ई मार्केटिंग पोर्टल सेल किया जाएगा जिसको बहुत जल्दी लाइव किया जा रहा है। आई थिंक दिस वुड ऑल्सो बी कम्प्लीटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ जैन।
तो इन सब चीज़ों के लिए हमने जो डिज़ाइनर की एक बात बोली थी, तो डिज़ाइनर्स की काफ़ी जो बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं उनके रिनोन डिज़ाइनर्स आए थे, वो आए थे, उन्होंने क्या देखा था जब आई इंस्टीट्यूशन विजिट किया कि वो खादी बोर्ड अपने जो इंस्टीट्यूशन से वो खुद डिज़ाइन करते हैं कपड़े फिर बेचते हैं, राधा रंग की ये उल्टा होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, उनके बायर्स से इंटरेक्ट किया, बायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बोला कि आप उस तरह से प्रोडक्शन कीजिए, देन इट विल बी मोर मार्केटेबल, क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर मार्केटेबल नहीं होंगे देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। ऐसे ही तनायरा जो टाटा की एक सब्सिडरी है, वो भी अपने डिज़ाइनर्स भेज दी, मतलब वो भी अपने सेट ऑफ डिज़ाइनर्स भेज दिए कि देखिए कि खादी के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं कि नहीं। सो लॉट ऑफ बिग शॉट्स दे आर इंटरेस्टेड इन खादी प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार, बिकॉज बिहार के जो कॉटन जो खादी है दे हैव इवन एक्साइटेड कि जो प्योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ खादी होती है सो बिहार में मिल सकती है, चाहे वो कॉटन हो चाहे सिल्क हो, दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे हैव ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग स्मॉल पॉकेट साइज ऑर्डर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिहार। सो इसी चीज़ को आप प्रमोट करने के लिए यहाँ पे वी केम हियर, वी आर ऑर्गेनाइजिंग बायर सेलर मीट, जिसके लिए रेमेंट्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ रेमेंट्स आर आल्सो कमिंग टू ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस बिग अदर प्लेयर्स आर आल्सो कमिंग इन द इनॉग्रेशन सेशन ऑफ दिस बायर सेलर मीट। दैट्स ऑल, थैंक यू।